रियलमी का नया धमाका बाजार में मचाया फिर से तहलका। तो आखिरकार आज रियलमी ने रियलमी 10T लॉन्च कर दिया। आप इसे कह सकते हैं रियलमी 10T का सक्सेसर। तो इसका प्राइस मैं बताऊंगा, क्या प्राइस है, क्या अवेलेबिलिटी है, कब से मिलना स्टार्ट होगा, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे मुताबिक आपको इस स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है या वर्स्ट होने वाला है, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आ जाते हैं स्पेक्स एंड फीचर्स में, कैमरा डिपार्टमेंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपको f1.8 अपर्चर पर बेस्ड है एंड आपको इसमें सैमसंग आइसोसेल GW1 का सेंसर प्रोवाइड करवाया जाता है। इस पर बेस्ड है ये सेंसर, ये मतलब ये कैमरा। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड कैमरा पे आ जाए, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जाता है। थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाता है। फोर्थ कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जाता है। तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। अगर हम लोग वही फ्रंट में आ जाए तो सेल्फी के लिए, सेल्फी मैंने ले लिया, निंजा पूजा नहीं सुनना है, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ कैमरा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया कैमरा होने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग डिस्प्ले में आ जाते हैं। तो इसमें हमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। याद रखिएगा, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा, आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग आगे और बढ़े तो यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है। जी हाँ, एक छोटा सा नॉच देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। अगर हम लोग आगे बढ़े और तो इसमें आपको 91.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है एंड साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े तो परफॉर्मेंस में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी कि आप एक अच्छा खासा गेम प्ले भी कर सकते हैं, पबजी भी खेल सकते हैं। पबजी ज़्यादा लैग नहीं करना चाहिए इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि स्नैपड्रैगन 730G एक अच्छा खासा प्रोसेसर माना जाता है जिसमें गेम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल जाता है। अगर हम लोग आगे देखें तो हमें डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि दो सिम के साथ एक एक्स्ट्रा माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हैं जो कि 256 GB तक एक्सपेंडेबल है। अगर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कलर OS 6.2 का सपोर्ट मिलता है आपको इस रियलमी में। आपको बहुत ही जल्दी रियलमी दावा करती है कि कलर OS 7 भी देखने को मिल जाएगा एंड आपको इसमें एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिलता है। अगर इसके बाद अगर हम लोग बैटरी के डिपार्टमेंट में आ जाए तो बैटरी में सबसे पहले तो आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा खासा लेवल का बैटरी देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको 30W वॉक 4.0 सुपर फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है, यानी कि आपको बहुत ही फास्ट चार्जिंग हो जाएगा इस स्मार्टफोन में एंड कंपनी दावा करती है कि आपको 75 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा 0 से 100%, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है अगर 75 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है तो। अगर इसके बाद अगर हम लोग डिजाइन में आ जाए तो अगर हम लोग यहाँ आ जाए तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये एकदम रियलमी 10T जैसा देखने को दिखता है। रियलमी 10T जो एकदम रियलमी 10T जैसा दिखता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है डिजाइन जो उसमें। तो आपको बैक में रियर में ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है, साइड में फ्रेम जो वो आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाता है एंड रियर एंड फ्रंट दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाता है, मीन्स गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। एंड अगर हम लोग कलर वेरियंट बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू 3 कलर वेरियंट में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राइस की तरफ आ जाए तो यहाँ प्राइस में तो सबसे पहला 4GB 64GB वेरिएंट देखने को मिलता है, उसका आपको 17,000 प्राइस देखने को मिलता है। आपको दूसरा जो वेरिएंट आता है 6GB 128GB वाला, वो आपको 19,000 में देखने को मिलता है एंड तीसरा जो वेरिएंट आता है आपका 8GB 128GB वाला, वो आपको 20,000 में देखने को मिलता है। अब आ जाता है कब बिकेगा, कब सॉल्ड होगा, तो फ्लिपकार्ट में आपको दिसंबर 20 से ये स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर दिसंबर 20 से आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप दूसरा स्मार्टफोन के बारे में सोच रहे थे, तो देखिए सबसे पहले अगर आप रेडमी K20 के बारे में सोच रहे थे कि रेडमी K20 का प्राइस ड्रॉप होगा तो मैं ये स्मार्टफोन लूँगा, तो आप उस जगह इस स्मार्टफोन को चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए इन तीनों में से, तो सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा आपका 6GB 128GB वाला वेरिएंट, क्योंकि 4GB 64GB आपका स्टोरेज कम हो जाएगा, आपका
64GB स्टोरेज मिल रहा, 128GB नहीं मिल रहा, एंड बस 4GB रैम है। 4GB रैम फिर भी चल जाता है, बट आपको स्टोरेज कम मिल रहा, एंड इसके बाद 6GB 128GB इसमें आपको स्टोरेज भी मिल रहा एंड 6GB रैम भी मिल रहा, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। एंड अगर 8GB 128GB वाला जो आ जाए उसमें 20,000 पहुँच जा रहा है, तो उसमें 2GB रैम की जगह हाँ आप बाय कर सकते हैं, बट आपके लिए अगर आप एक अच्छे खासा प्राइस में देखना चाहते हैं, बेस्ट आपके लिए 6GB 128GB होने वाला है, तो आप उस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे और वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, जो भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं आपके फ्रेंड फैमिली या कहीं भी शेयर जरूर कीजिएगा।